नमस्कार और आप देख रहे हैं सीतयुग न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। राहुल गांधी मैसूरू में गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन करेंगे। हर महीने परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मिलेंगी, चुनाव में घोषणा की थी। घरेलू गैस सिलेंडर आज से 200 रुपए सस्ता। भोपाल में 908, जयपुर में 906 हुई कीमत। यहाँ उज्ज्वला सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा। मणिपुर में फिर गोलाबारी, 2 वॉलंटियर्स की मौत। विष्णुपुर चूरा चांदपुर बॉर्डर पर हमलेवरों ने किसानों को निशाना बनाया, 7 घायल। 120 साल में अगस्त सबसे सूखा महीना रहा, सामान्य से 33% कम हुई बारिश। सितंबर में 10 दिन आखिरी मानसूनी बारिश की उम्मीद। एक दिन में 2 फ्लाइट्स के इंजन हवा में बंद, दोनों इंडिको के प्लेन, पायलटों ने सेफ लैंडिंग कराई, कंपनी बोली टेक्निकल इशू। 5 साल बाद मुंबई पहुंचे लालू प्रसाद यादव, पटना में बोले नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं, INDIA गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। मुंबई में INDIA और NDA की मीटिंग एक ही दिन, शरद पवार विपक्ष के साथ होंगे, अजीत भाजपा शिवसेना सिंधे गुट के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। ममता के बाद अब नीतीश का बयान आया, बोले विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। 8 पार्लियामेंट्री स्टेडियम कमेटियों का पुनर्गठन, चिदंबरम होम पैनल में नियुक्ति, कमेटी में सरकार की तरफ से लाए गए 3 बिलों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, स्थानीय निकाय चुनाव में लागू किया 27% OBC आरक्षण, SC ST में कोई बदलाव नहीं। चीन ने अरुणाचल अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया, जयशंकर बोले चाइना की पुरानी आदत, पहले भी नक्शे निकाले, उनके दावे से कुछ नहीं होता। चीन अक्साई चीन में सुरंगें बना रहा, सैटेलाइट इमेज में 11 स्ट्राइकर दिखे, ड्रैगन के नक्शे पर राहुल बोले पुराना लद्दाख जमीन हड़पने से वाकिफ। इमरान खान को बेल मिली तो रिहाई पर सस्पेंस, आज सर्किट लेटर चोरी केस में सुनवाई, जमानत मिली तो 5 एजेंसियां कर सकती हैं गिरफ्तार। अब जापान का स्लिम लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, खराब मौसम की वजह से 2 बार टला मिशन, इसकी एक्यूरेसी पर दुनिया की नजरें। मणिपुर विधानसभा का विशेष सत्र बिना चर्चा के साथ स्थगित, कांग्रेस का हंगामा, काला झंडा फहराया, कुकी समुदाय के 2 मंत्री और 8 विधायक नहीं आए। सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियां रद्द, भैया दूज पर भी नहीं मिलेगा अवकाश, नाराज शिक्षकों की मांग, CM नीतीश कुमार करे हस्तक्षेप। विपक्षी एकता की ताकत ने कम किए सिलेंडर के दाम, ममता तेजस्वी ने लिया क्रेडिट, बोले ये 2 बैठकों का प्रेशर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। PPU व्यवसायी कोर्स में ऑन स्पॉट एडमिशन का आखिरी मौका, 30 अगस्त तक बिलिश में कर सकते हैं नामांकन, 2 सितंबर तक करा ले वैलिडेशन। गोविंदा ने कहा मैं गदर नहीं करूंगा, इसमें हिंदू मुस्लिम है, अनिल शर्मा बोले फिल्म के लिए हमेशा से सनी ही थे मेरी पहली पसंद। पाकिस्तान नेपाल के बीच एशिया कप का ओपनिंग मैच आज, दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी, पाकिस्तान ने घोषित की अपनी प्लेइंग 11। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सीतयुग न्यूज।